और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों के परिणाम से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैनपुरी समेत तीनों उपचुनाव की सीटों का परिणाम अब साफ हो चुका है और घोषित हो चुका है चुनावी परिणाम। मैनपुरी से सबसे बड़ी अपडेट यह है कि डिंपल यादव की रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की जा चुकी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत हुई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को 230,000 से अधिक वोटों से हराया है और जीत की सूचना मिलते ही डिंपल यादव मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की है। भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को 230,000 से अधिक वोटों के अंतर से डिंपल यादव ने परास्त किया है। एक तरफा और बहुत बड़ी जीत ये कही जा सकती है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमला मैनपुरी में जुटा रहा। चुनावी प्रचार के लिए बड़े नेता जुटे रहे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं की, उसके बावजूद डिंपल यादव की मेहनत काम आई और डिंपल यादव ने 230,000 से ऊपर के मार्जिन से जीत दर्ज की है। वहीं रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिफ रजा हार चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चुनाव हुआ ही नहीं है, हमें हरा दिया गया है। और वही अपडेट इस वक्त सामने आती हुई रामपुर से, जहां समाजवादी पार्टी को हार नसीब हुई है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। डिंपल यादव ने जीत की खबर जैसे ही मिली उनको वो मंदिर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भाजपा के रघुराज शाक्य को 230,000 से अधिक के अंतर से डिंपल यादव ने हराया ही है। प्रत्याशित और बहुत बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि माना जा रहा था कि नेट टू नेट फाइट मैनपुरी में हो सकती है। वहीं खतौली से अच्छी खबर आई सपा आरएलडी गठबंधन के लिए, मदन भैया जो उनके उम्मीदवार थे, जीत हासिल हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जो दम्ब खतौली में, जिस तरह से खतौली भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी, लेकिन अब आरएलडी ने खतौली पर कब्जा कर लिया है। रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिफ रजा हार गए हैं। आकाश सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे, वो लगातार पीछे चलते रहे 12 बजे तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह से परिवर्तन हुआ रुझानों में, जिसके बाद आसिफ रजा को वहां पर हार मिली है। डिंपल यादव को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट यही है कि डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है। लगातार शुरू से ही वो आगे चलती रही और सभी विधानसभा क्षेत्रों से उनको बढ़त मिली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के रघुराज शाक्य को उन्होंने 230,000 से अधिक वोटों से हराया है। अपडेट ये आ रही है कि 238,000 वोटों से हराया है। खतौली में सपा उम्मीदवार मदन भैया को जीत हासिल हुई है। सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार थे जयंत चौधरी ने काफी मेहनत की थी खतौली में, लगातार चुनावी प्रचार में वो जुटे रहे और यही वजह है कि आरएलडी को वहां से सफलता हासिल हुई है। वहीं रामपुर में आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनको जीत हासिल हुई है। और आसिफ रजा जो आजम खान के ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको हार मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का जो चुनावी परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की डिंपल यादव ने, जिसके बाद उन्होंने मंदिर जाकर के पूजा अर्चना की है, नेताजी को नमन किया है, भगवान को शुक्रिया अदा किया है। भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को 230,000 से अधिक वोटों के अंतर से डिंपल यादव ने परास्त किया है और ये अपने आप में रिकॉर्ड विजय है, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव 2019 में मैनपुरी से जीते थे, बसपा के साथ गठबंधन था सपा का, उस वक्त ये अंतर महज 90,000 के आसपास का रह गया था। इस लिहाज से डिंपल यादव की जीत बहुत बड़ी मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मैनपुरी की जनता ने पूरी तरह से नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए डिंपल यादव को वोट किया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, तीनों सीटों के जो चुनाव परिणाम है वो अब साफ हो चुके हैं।